हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं ईवी काफ़ी पॉपुलर होते चले जा रही है। आज की वीडियो में हमने आपके लिए एक हाइब्रिड व्हीकल का कॉन्सेप्ट लेके आया हुआ है और हाइब्रिड व्हीकल आपको बनाना भी सिखा रहे हैं। हाइब्रिड व्हीकल सोलर पावर एंड रीजनरेशन कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। रीजनरेशन कॉन्सेप्ट क्या होता है फुल वीडियो देखने पे आप समझ ही जाएंगे। वीडियो के एंड में हमने टेस्ट रिजल्ट्स भी शो किए जो हमारी टेस्टिंग के ड्यूरेशन में हमने फाइंड आउट करे हुए हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं कि किस वे से हमने इसे असेंबल किया हुआ है।
फ्रेंड्स, कंप्लीट असेंबली हो जाने के बाद हमने इसे सनलाइट पे रख दिया है सो दैट कि ये सन पावर से सनलाइट के थ्रू चार्ज हो जाए। ग्रीन एलईडी का इंडिकेशन आ रहा है, इट मीन्स कि ये सोलर पावर से चार्ज हो रहा है। 3 to 4 hours के लिए हमने इसे चार्जिंग के लिए रखा हुआ है। पूरा चार्ज हो जाने के बाद ये फाइनल टेस्ट के लिए रेडी है। फ्रेंड्स, अब आपको ओवरऑल कॉन्सेप्ट समझा देते हैं। ये जो कंट्रोल सर्किट है, कंट्रोल सर्किट में हम बैटरी का स्टेटस शो कर रहे हैं एलसीडी के थ्रू। साइड में एक स्विच दिया हुआ है जो ये मोटर को ऑन ऑफ करने के लिए यूज़ में आते हैं। एक और स्विच का यहाँ प्रोविज़न किया हुआ है जिससे कंट्रोल सर्किट को हम ऑन ऑफ करते हैं। कंट्रोल सर्किट में चार्जर सर्किट भी है, सोलर चार्जर सर्किट भी है और माइक्रो कंट्रोलर एलसीडी का इंटरफेस किया हुआ है। राइट हैंड साइड में यहाँ पे एक डीपीडीटी स्विच है जो बैटरी चेंज ओवर स्विच है। हमने 2 batteries इसका यूज़ किया है, एट अ टाइम कोई भी एक बैटरी ही यूज़ में आती है। ये वोल्टेज बूस्टर है, जब एक बैटरी से मोटर रन होते रहती है उस टाइम पे ये वोल्टेज बूस्टर के थ्रू सेकंड वाली बैटरी जो है वो चार्ज होते रहती है। इस टाइप से हमने 2 batteries का यूज़ किया हुआ है। सेकंड वाली जो बैटरी है वो सोलर पावर से भी चार्ज होते रहती है। अब इसको हम आपको रन करके दिखाते हैं। यह अब सिंगल बैटरी से वर्क हो रहा है लेकिन उस टाइम पे सेकंड वाली जो बैटरी है वो चार्ज हो रही है। यही रीजनरेशन का कॉन्सेप्ट है। रीजनरेशन कॉन्सेप्ट में जब हमने टेस्टिंग किया हुआ है तब वोल्टेज बूस्टर के थ्रू हमने पाया है कि 55% का इफिशियंसी हमें वोल्टेज बूस्टर के थ्रू मिलता है और 80% का इफिशियंसी हमें सोलर पावर के थ्रू मिलता है। सो फ्रेंड्स, इस वजह से हाइब्रिड व्हीकल वर्क करता है।